नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। सानी रिजॉर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया होली मिलन कार्यक्रम। रनिंग क्लब गोपीपुरा के बच्चों ने मनाया होली का रंगारंग कार्यक्रम। एक अभियुक्त को कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस प्रशासन द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोंगे शाह बाबा का उर्स हुआ संपन्न। जसपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कोंटा थाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़ियों वाला के खेत में बीती कल सुबह एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला था, जिसे लेकर पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसका आज काशीपुर SP कार्यालय में SSP मंजुनाथ TC द्वारा खुलासा किया गया है। जी, जसपुर में कल दोपहर को जब पुलिस पूरा इन्वॉल्व थी होली की प्रिपरेशंस में, हमको सूचना मिला कि एक खेत में लाश मिला है। तो लाश के ऊपर बहुत चोट की निशान थी, वो बहुत ज़्यादा खरोच थी, जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा शरीर के ऊपर खरोच था, गले पर निशान था। ये तो क्लियर था कि ये मर्डर का केस है, बट ये आइडेंटिफाई तत्काल हो गया कि ये शाकिब है। 21 साल का लड़का है, जसपुर का रहने वाला है। तो तुरंत हमने प्रोफेशनल पुलिसिंग का हमने नमूना दिखाया, हमने पैनिक नहीं किया, हमने तुरंत बॉडी शिफ्ट करना, ये सब गलतियाँ नहीं करा, हमने टोटल क्राइम सीन को सील ऑफ कर दिया और तुरंत फॉरेंसिक की टीम, फिंगरप्रिंट का टीम और डॉग स्क्वाड को वहाँ पे मौके पे बुलाया गया। और वहाँ पे जो जो चीज़ें हैं सीन ऑफ क्राइम पर हमने डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया। इसी बीच में वो जब बॉडी मिला, उससे 2-3 घंटा पहले सभी कौन कौन जा रहे थे उन सबको आइडेंटिफाई करके रखा था। 4-5 लोग उस रोड में आने वाले और जाने वाले दिख गए थे। तो जब उसके बाद बॉडी शिफ्ट हो गया और डॉग स्क्वाड जब कार्रवाई हमने करा, तो डॉग स्क्वाड में जो हमारा सबसे काबिल डॉग है, हमारा कैटी आई थी। तो कैटी ने जैसे ही वहाँ पे विक्टिम का कपड़ा और लाश के पास का जो कपड़ा है और क्राइम सीन में सुंघवाया, तो तुरंत जाके आप यकीन नहीं मानेंगे, सीधे अभियुक्त के पास जाके उसको गिरा दी। उसी को ऊपर भोंकते उसको गिरा दिया। तो फिर जो है हमें सस्पेक्ट तो हो ही गया था कि इन्हीं में से कोई लोग हो सकता है, बट वो तो सस्पेक्ट था। फिर हमने तुरंत पूछताछ करा तो वो निकला उसी का चाचा का लड़का। फिर उसने कबूल भी दिया क्यों करा करके। उसकी घर से निशानदेही के तौर पे जो बेल्ट भी हमने बरामद किया है। अभी कहानी बताता हूँ, चाचा के लड़का ही है वो, कासिम है उसका नाम। तो दोनों नशेड़ी है, तो हमेशा शाकिब की मम्मी बोलती थी ये तो घर पे बोझ है, ये तो धरती पे बोझ है, इसके अच्छा जीने से अच्छा मरी जाए तो बहुत अच्छा रहता है करके। तो फिर जाके साथ में नशा करे उसने परसों रात को, लेकिन नशा करने के बाद तो खटपट वटपट जब हुई तो इनके बीच में, तो इसने बोला कि यार तू तो वैसे ही साला, तेरा तो परिवार में कोई नहीं चाहता, मैं ही आज ख़त्म कर देता हूँ तुमको करके। गुस्से में, आवेश में आके इसने बेल्ट निकाला अपना खुद का और गला घोट के मार दिया, और पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए एक चाकू लेके बहुत सारा खरोच मार दिया ताकि लोगों को लगे खेत पे कोई जानवर ने अटैक मार दिया करके ले। और उसके बाद उसकी कपड़ा भी लेके चला गया था ऊपर का। तो फिर जो है जैसे ही कैटी ने हमको आइडेंटिफाई करके दे दिया, तो इमिडिएटली हमने पूछताछ पे उसने टूट गया और आराम से बता दिया। और हमने पुलिस की निशानदेही में वो जो गला घोटने वाला बेल्ट, चाकू और कई सारे मतलब विक्टिम का जो शर्ट है वो सब मिला है। तो इस प्रकार बेहतरीन प्रोफेशनल पुलिसिंग करने के लिए काशीपुर की टीम को, विशेष रूप से SHO जसपुर प्रकाश दानू, CO काशीपुर हमारी वंदना, SP काशीपुर अभय और पूरी टीम को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैटी को बधाइयाँ हैं। और कैटी और डॉग स्क्वाड की टीम को इस बार विशेष रूप से रिवॉर्ड रोल में इन्वॉल्व किया जाएगा और 2,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर, तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। महिला हेल्पलाइन में काउंसलिंग के बाद घर जा रही स्कूटी सवार एक महिला को स्कॉर्पियो चालक द्वारा उसे कोंडा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर पट्टी के पास जान से मारने की नियत से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में SSP उधम सिंह नगर मंजुनाथ TC ने SP कार्यालय में खुलासा करते हुए पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस की पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। देखिए, थाना कुंडा में एक हैरतन वाली घटना सामने आई है। एक महिला को स्कॉर्पियो में टक्कर मार दिया था 3 दिन पहले, परंतु उसके परिवार वालों को डाउट था कि एक आम एक्सीडेंट नहीं है, सब हमें डाउट लग रहा है।
तो हमने तुरंत हमने काम किया था उस पर, काफ़ी रातों रात हमने कई सारे सीसीटीवी फुटेज देखा। हमने देखा कि स्कॉर्पियो जो है महिला तो अपनी लेफ्ट लेन में चल रही है, वो वकील थी महिला, का फैमिली हेल्पलाइन में काउंसलिंग पे आई थी, पति के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। तो लेकिन हमने देखा स्कॉर्पियो तो अजीब से बिहेव कर रही है, जब से यहाँ से ये गई उसी के पीछे लग गई स्कॉर्पियो। कभी आगे जाता है, कभी वापस आता है, कभी आगे जाता है वापस आता है, पीछा बहुत करता है, अजीब अजीब जगह पर रुकता है। वो कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जाना ही नहीं चाहता, स्कॉर्पियो कहीं किसी स्पेशल काम के लिए आया है ऐसा लग रहा था। बाद में जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहाँ पर टकराव हो जाती है, और टकराव के टाइम में बेचारी लड़की लेफ्ट साइड में थी, है ना। तो इससे बहुत संदेह हो गया हमको, कहीं ना कहीं से हमने आइडेंटिफाई किया नंबर प्लेट्स भी, रोल इंजन नंबर भी, और फिर वो बेचा गया था किसी और को, उस थर्ड पार्टी ने किसी और को दिया था, आइडेंटिफाई हो गया। बाद में ये कहानी खुल के सामने आई कि उसी का हस्बैंड है जो पिछले 6 साल से शादीशुदा है उससे, परंतु संबंध नहीं बनाया और एक तरीके से अलग से रह रहा था, और इनके बीच में परिवार हेल्पलाइन में चल रहा था मामला। तो पारिवारिक हेल्पलाइन में इनका आपस में जो भी फैसला होना था, सेपरेशन होना था, नहीं हो पा रहा था। आज से 6-7 महीने पहले से इसने प्लान कर लिया, एक अटैकर को पकड़ा, उसका नाम क्या नाम है उसका, जमशेद खेम सिंह है, उसके ऊपर ऑलरेडी 302 का मुकदमा है। उसको महिपाल सिंह के थ्रू मिला, 5 लाख का सुपारी दिया 3 महीने पहले, हैरान हो जाओगे आप सुन के, 3 महीने पहले 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र किया उसने कि बाकी पैसा तो काम के बाद मिलेगा। और लगातार टच में ये अटैकर के साथ नहीं रहता था, तीसरे आदमी के साथ रहता था। कई बार रखी हो चुकी थी इनका, कई बार रिहर्सल हो चुका था, उस दिन उन्होंने अंजाम दे दिया था। लेकिन भगवान बहुत बड़ा है, भगवान का भला हो, मतलब सबका अच्छा हो, क्योंकि लड़की हमारी बच गई। कुल मिला के देखिए ये बहुत ही हैरतन चीज़ है, ये पति जो है जो अपना तलाक नहीं हो पा रहा था उसका बदले में इसने इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी कई दिन से रचा हुआ था, और सामने तो बड़ा अच्छा बन के महिला हेल्पलाइन में हर महीने में आके काउंसलिंग भी ले रहा था, हाँ, लेकिन जबकि 3 महीने पहले उसने सुपारी भी दे रखा है, ठीक है। तो इस बहुत ही दिल दहलाने वाली एक कॉन्स्पिरेसी का हमने प्रोफेशनल पुलिसिंग के माध्यम से, सीसीटीवी और टेक्निकल और सर्वेलांस और मैनुअल के माध्यम से हमने इसका खुलासा किया है। काशीपुर की टीम और एसओजी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो अक्यूज जो है पति और अटैकर और बीच का कड़ी जो महिपाल, सबको जेल भेजा जा रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए धन्यवाद देते हुए मैं 2500 रुपये का कैश रिवार्ड भी देता हूँ। और कोलीग है, मतलब कहीं साथ में जानता है, पेपर फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है। तो लेकिन कॉन्स्पिरेसी कितना डीप रूटेड था, एक तरीके से ये ठंडे दिल का, ठंडे खून का ये क्रिमिनल है, समाज के लिए सबसे घातक यही लोग। काशीपुर में जसपुर खुर्द स्थित शाहनी रिजॉर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन का समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान काशीपुर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस त्यौहार को एकता और सद्भाव के साथ मनाना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकजुटता कायम रखना है। हम लोग देखें एक दूसरे से गले मिलके गुलाल लगा के होली का त्यौहार मना रहे हैं, और सभी को ये कहना भी चाहता हूँ कि होली का त्यौहार बहुत ही प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। सभी लोग मिलजुल के बनाए, आपसी भाईचारे को बना के रखे, जो भी मनों में नफरत है एक दूसरे के प्रति झगड़ा है उसको दूर करते हुए प्रेम के साथ गुलाल लगा के अपने सारे गृह शिक्षकों को। होली पर्व को देखते हुए काशीपुर पुलिस द्वारा आज नगर के अलग अलग स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील करते हुए होली पर्व को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाने के साथ ही होली पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। इस दौरान काशीपुर SP अभय प्रताप सिंह, CO वंदना वर्मा, कोतवाल मनोज रतूड़ी, ITI थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह, कोंडा थाना प्रभारी दिनेश सिंह फर्तियाल, ट्रैफिक इंचार्ज नरेंद्र मेहरा सहित समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए होली सबसे पहले होली की सभी सम्मानित जन को उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। त्यौहार को शांति पूर्वक मनाएं, अपने परिवार के साथ पूरा इसको एंजॉय करें। इस संदर्भ में IG सर भी आए थे यहाँ पे, पीस कमेटी की लगभग सभी थानों में मीटिंगें भी हो चुकी हैं। हमारे काशीपुर सेक्टर में ऐसी कोई प्रकरण नहीं है कि पूर्व में कभी कोई इस तरह की चीज़ें रही है, फिर भी एहतियातन कर हमारी टीमों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर मिक्स पब्लिक है और मिक्स पॉपुलेशन है उन जगहों पर हमारे द्वारा फुट मार्च कराया गया था। आज हमारे द्वारा
वाहन इकट्ठे किए जा रहे हैं और वाहनों के माध्यम से फ्लैग मार्च किया जाएगा। और मुख्य रूप से यही संदेश है कि त्यौहार को त्यौहार की तरह से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं और शांति बना के रखें। शांति किसी भी तरीके से उत्तराखंड पुलिस मनाने में आपकी साथ खड़ी है। अगर जो लोग कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। सर, जैसे बॉर्डर इलाके हैं जसपुर वगैरह के, तो वहाँ पर भी किस प्रकार की चेकिंग वगैरह? बिल्कुल, जो भी हमारे सरहदी जनपद है और जहाँ पे बॉर्डर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी हमारा जसपुर क्षेत्र में भी, कुंडा क्षेत्र में भी, इसी तरीके से ITI आगे गदरपुर क्षेत्र में हमारे जो चिन्हित पॉइंट है, चिन्हित पॉइंट पे भी जो 9 वर्ष पे भी हमने लगाया था, इसी तरीके से इसमें भी हमारे वहाँ प्रॉपर ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, जिससे कि कोई भी आदमी उधर से इधर आकर के और अनावश्यक रूप से हुड़दंग या उत्पात न मचाए। शांतिपूर्वक त्यौहार आप आइए, मनाइए और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक इस पर्व का आनंद लें। सर, जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे काशीपुर सेक्टर की सम्मानित जनता से यही अपील करूंगा कि त्यौहार का पूरा हर्षोल्लास से आनंद लीजिए और बहुत सारे वर्षों के होली के त्यौहार की तरह इस वर्ष भी शांतिपूर्वक तरीके से इस होली के त्यौहार को मनाइए। होली के तत्काल बाद हमारा जो भारतीय कैलेंडर वर्ष का चैत का महीना भी शुरू होने वाला है, तो नए वर्ष के महीने में शांतिपूर्वक प्रवेश करें, हर्षोल्लास के साथ प्रवेश करें। माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में 10 बजे के बाद DJ प्रतिबंधित है। हम सबसे गुजारिश करेंगे कि आप भी 10 बजे के बाद किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र को न बजाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल आस पड़ोस में लोगों को सुविधा होती है, बल्कि हमारे द्वारा एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है सर। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडेश्वरी चौकी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को ढकिया नंबर 2 से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। कहाँ है सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। रनिंग क्लब गोपीपुरा द्वारा आज होली सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस दौरान बच्चों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को रंग भी लगाया। साथ ही रिटायर्ड फौजी विक्रम दास ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में एशियन मेडलिस्ट राजीव चौधरी ने शिरकत की और खेल के प्रति बच्चों का हौसला बढ़ाया। आज ये रनिंग क्लब गोपीपुरा में जितने भी बच्चे रनिंग करने आ रहे थे, तो हमने इनमें एक स्पेशल उत्साह भरने के लिए एक हमने छोटी सी होलिका का आयोजन किया, जिसमें हमारे अतिथि रहे ग्राम प्रधान चांदपुर के प्रदीप शिवाजी और प्रतापपुर से आए चंद्रशेखर चौधरी जी और साथ में उनके आजाद चौधरी जी भाई जी और हमारे सभी रनिंग क्लब के बच्चे आज एकत्रित होकर के होली खेलते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों के चेहरे पर हंसी खुशी देखकर। अच्छाई की जीत जीत होती है, इसीलिए हम होली मनाते हैं और होली के दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली का स्पेशल स्वीट जो गुजिया होती है वो हम एक दूसरे को खिलाते हैं। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में प्रतापपुर चौकी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को फिरोजपुर को जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई। साथ ही अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। काशीपुर क्षेत्र के मशहूर दरगाह हजरत नियाज अली शाह बाबा का आज 124वां उर्स कुल शरीफ की रस्म के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि मोहल्ला लिखा स्थित बाबा के आस्थाने पर 4 दिन से चले उर्स में कई शहरों से आए श्रद्धालुओं ने शिरकत की, साथ ही चादर पेश कर देश की खुशहाली के लिए दुआ करते हुए अपनी अपनी मनौती मांगी। आज कुल शरीफ की रस्म पूर्व शहर इमाम कारी अताऊ रहमान की कयादत में पूरी कराई गई। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।